लीजिए आप लोग देख सकते हैं ये आटा है ओरिजिनल और इतना सा छान निकला। ये बारीक छाननी हम लोगों ने यूज की है, अगर मोटी छाननी आप लोग यूज करेंगे तो ये छान भी नहीं निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 6 हैवी ड्यूटी ग्राइंडर लेकर आए हैं। इन तमाम 6 के 6 ग्राइंडर्स के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली गंदम पीस कर दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कौन से ग्राइंडर ने अच्छा वर्क किया है, कौन सा ग्राइंडर बेस्ट है आटा बनाने के लिए गंदम का। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने स्टॉप वॉच भी रखी है और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा कर देगी। और अगर आप लोग इनमें से कोई भी ग्राइंडर खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खुद ही सिलेक्शन करेंगे कि आप लोगों को कौन सा ग्राइंडर खरीदना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इन तमाम ग्राइंडर्स की स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बता देते हैं, फिर आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा ग्राइंडर खरीदना चाहिए। सबसे पहले ये दो ग्राइंडर की बात करें तो ये डस्का वालों से ग्राइंडर हम लोगों ने खरीदे हैं ताकि आप लोगों को इन दोनों ग्राइंडर की स्पेसिफिकेशन क्वालिटी फीचर्स का पता चल जाए। ये जो ग्राइंडर है ये इसको हार्ड ग्राइंडर बोलते हैं और इसकी कैपेसिटी आधा केजी है। ये सॉफ्ट ग्राइंडर है और इसकी कैपेसिटी है 3 केजी और इनके जो रेट हैं ये इन तमाम ग्राइंडर से ज्यादा हैं। अब हम लोग इन ग्राइंडर के अंदर गंदम पीस के आप लोगों को दिखाएंगे भी कि वाकई में इनकी जितनी कीमत ज्यादा है उस लिहाज से ये वर्क भी अच्छा करते हैं या नहीं। इसके बाद ये ग्राइंडर जो है ये हम लोगों ने खुद तैयार करवाया है। ये जितने ग्राइंडर पड़े हुए हैं ये हम लोगों ने खुद तैयार करवाए हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। और ये सस्ते हैं इन दोनों ग्राइंडर से, ये ग्राइंडर सस्ते हैं और हम लोग इंशाल्लाह इन दोनों ग्राइंडर का कंपटीशन इन ग्राइंडर के साथ करवा के आप लोगों को दिखाएंगे कि ये जो सस्ते ग्राइंडर हम लोगों ने तैयार करवाए हैं क्या इनका वर्क इन दो ग्राइंडर जो डस्का वालों ने मशहूर किए हुए इतने महंगे सेल कर रहे हैं क्या ये कंपटीशन इनके साथ करेंगे या नहीं, ठीक है। स्टॉप वॉच इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आप लोग खुद देखेंगे, खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये जो ग्राइंडर है इसकी 6 केजी कैपेसिटी है और इसका रेट भी बड़ा मुनासिब है और इसकी मोटर भी आप लोग नीचे देख सकते हैं, इसकी मोटर तो हम लोग नहीं दिखा सकते और इसकी कैपेसिटी है 5 केजी और इसके ब्लेड भी आप लोगों को ओपन करके दिखा देते हैं, ये ब्लेड आप लोग देख लें। ये जो ग्राइंडर है इसकी कैपेसिटी 4 केजी है और मोटर भी आप लोग देख सकते हैं, इसके ब्लेड भी इसमें पहले हम लोगों ने चीज ग्राइंड की थी कोई तो वैसे ही हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। अच्छा ये जो ग्राइंडर है इसके ब्लेड भी आप लोग देख सकते हैं ये भी, ठीक है। और ये जो डस्का वालों के ग्राइंडर्स हैं इनके ब्लेड भी आप लोग देख लें, ये डस्का वालों के ब्लेड हैं और ये हार्ड ग्राइंडर है, इसका ब्लेड भी आप लोगों को अभी दिखाता हूं मैं ओपन करके, ठीक है। अभी आप लोग ये देख सकते हैं ये डस्का वालों के जो महंगे ग्राइंडर हैं उनके ब्लेड हैं, ठीक है। चले हम लोग डेमो बकायदा शुरू करते हैं और गंदम इन तमाम ग्राइंडर के हम लोग अंदर डाल के आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाते हैं और इस वीडियो के किसी भी हिस्से में आप लोगों को इन तमाम ग्राइंडर की कीमतें भी बताई जाएंगी। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी।
नाजरीन आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट 36 सेकंड हुए हैं और अब हम लोग वन बाई वन ये जितनी भी मशीनें हैं इन तमाम मशीनों के ढक्कन ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सी मशीन ने अच्छा वर्क किया है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। नहीं जी पहले डस्का वालों से इधर से शुरू करें। ये जो डस्का वाले ना जो महंगी सेल कर रहे हैं पहले ये जनाब इससे बिस्मिल्लाह कर दें। ये हार्ड ग्राइंडर है इसमें पत्थर कोई भी हार्ड चीज आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चले जी पता चलता है डस्का वालों का आज। लो जी डस्का वालों की जो हार्ड ग्राइंडर है इसने बना दिया है दलिया, तकरीबन इसने 50% ग्राइंड किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है अब हम लोग डस्का वालों की ये वाली जो मशीन है इसको चेक करते हैं। 1 मिनट और 36 सेकंड मतलब 1.5 मिनट चलाई हम लोगों ने और इस मशीन ने अच्छा वर्क किया जनाब। ये देख सकते हैं आटा बना दिया इसने। ये नहीं है कि हम लोग ये कहेंगे कि ये डस्का वालों की है और इसकी क्वालिटी हम लोग नहीं बताएंगे। इस मशीन से ये भी दिखाएं, इस मशीन से ये हार्ड ग्राइंडर है, इस मशीन से ये बनाएगी दलिया और इस मशीन ने जनाब ग्राइंड कर दिया है। ये 1.5 मिनट में इसका आटा बन गया और ये आटा मोटा है, इसको छानेंगे तकरीबन इसमें से 50 या 60% आटा निकलेगा, बाकी छान निकलेगा। मजीद अगर इसको चलाएंगे तो ये आटा अच्छी तरह बन जाएगा। ठीक है ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग जो हमने अपनी जो वर्कशॉप में तैयार करवाया ग्राइंडर इसको ओपन करते हैं 6 किलो कैपेसिटी वाला। लीजिए जनाब आटा बन गया इसका भी और ये जो डस्का वाले हैं काफी महंगी जो मशीन दे रहे हैं उसी क्वालिटी में बल्कि उससे बेहतर है क्योंकि ये सस्ती मशीन है और इसने इस जैसा ही वर्क किया जो महंगा ग्राइंडर है। ठीक है इसने भी आटा बना दिया है। अब हम लोग इस ग्राइंडर को ओपन करते हैं। लीजिए जनाब इसने भी आटा बना दिया है, ये देख सकते हैं। अब इसकी क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन 50-60% इसमें भी छान है और 50-60% जो डस्का वालों की मशीनें हैं उसमें भी छान है। ठीक है और इसको ओपन करते हैं। ये देखें आटा बन चुका है, छानेंगे तो जारी बात है फिर इसमें मजीद कोई रह गया तो इसको आप लोग ग्राइंड करेंगे। अभी तो 1.5 मिनट हम लोगों ने इसको चलाया है। इसको ओपन करते हैं, छोटी जो ग्राइंडर है सबसे हमारी पास, इसने तो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है। ये मजीद बहुत ज्यादा बारीक इसने कर दिया आटा। ठीक है इसमें तकरीबन 70-80% आटा है, बाकी छान है। अभी आप तकरीबन 4 से 5 मिनट अगर इसको चलाएंगे तो अच्छी तरह आटा बन जाएगा। तो अब हम लोग नाजरीन बात करते हैं कि इनके रेट क्या हैं। ये जो मशीन है इस मशीन का रेट है सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए। 8,000 रुपए की आप लोगों को ये मशीन मिलेगी 2 किलो कैपेसिटी के साथ। ये जो मशीन है ये 4 किलो कैपेसिटी के साथ मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की। ये जो मशीन है ये 5 किलो कैपेसिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 11,000 रुपए की। ये जो मशीन है जंबो साइज की 6 किलो कैपेसिटी के साथ मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए की। ये जो मशीन है डस्का वालों की ये मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए की, इसकी कैपेसिटी है 3 किलो। ये जो मशीन है ये आधा किलो कैपेसिटी के साथ आप लोगों को मिलेगी 15,000 रुपए की, ये दलिया बनाने वाली मशीन है, दलिया बनेगा इससे। ठीक है अब नाजरीन आप लोगों को इन तमाम मशीनों की जो स्पेसिफिकेशंस है और इनकी जो वर्किंग है इसका पता चल गया होगा। अगर आप लोग इनमें से कोई भी ग्राइंडर खरीदना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।